नमस्कार। आज दिनांक 6/10/2024 दिन रविवार, केडी चौधरी अनार मंडी पूना की तरफ से मैं तानाजी चौधरी सभी किसान भाइयों को बाजार की सद्य स्थिति की जानकारी देना चाहता हूँ। मेरे कर्नाटक हो या आंध्रा हो, राजस्थान हो या गुजरात हो, यहाँ से भी मेरे किसान भाई ये चैनल देखते हैं और महाराष्ट्र की जानकारी लेना चाहते हैं। तो अभी कर्नाटक से भी यहाँ माल चालू है, आंध्रा से भी माल आता है, तो बहुत से किसान आज यहाँ हमको मिलने को आए और उन्होंने डिमांड की कि आप थोड़ा सा हिंदी में ही बात करते जाइए, हमको मराठी कम समझता है। वैसे ही मेरे गुजरात और राजस्थान के भी किसान हैं कि वो महाराष्ट्र की खबर रखना चाहते हैं। मेरे ये चार दो तीन स्टेट के मेरे किसान भाइयों को मैं बोलना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में अभी माल जो है ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, हिसाब से ही माल है, लेकिन ये दीपावली तक माल यहाँ रहेगा और रेट भी टाइट रहेगा, ऐसी पोजीशन महाराष्ट्र में है। और कर्नाटक से जो आंध्रा से भी माल यहाँ आना चाहता है, वो लोगों के भी लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपकी जगह पे रेट कम है या जगह पे रेट अगर सही है, तो दोनों सही और कम देखने के लिए एक बार आप मंडी आना जरूरी है। तो यहाँ तो समझो 100 ग्राम से लेके 150 ग्राम की जो बोटी है, आज 90-95-100 के लगभग अच्छी गोटी और ऊपर 200-250 रुपए तक रेंज या अच्छे 300-325 रुपए तक का आज रेट निकला, लेकिन ज्यादातर 80-85 से लेके 150-160-170 रुपए 200 रुपए के लगभग आज रेट निकल रहे हैं। महाराष्ट्र में सोमवार के दिन यानी मंडे के दिन मंडियां बंद रहेगी, इसलिए आज आमदनी ज्यादा हुई। और ये नवरात्र का माहौल है, नवरात्र में उपवास रहता है पूरे देश में, और पूरे देश में उपवास रहने के हिसाब से नवरात्र लगने से पहले 4-6 दिन से इसका उठाव चालू हुआ था, रेट भी सही है। और आज या कल तक ये उपवास के हिसाब से पूरे उत्तर भारत में जो माल जाता है उसका असर मिलने वाला है। और उसके बाद 2 दिन यानी कि मंगलवार बुधवार के दिन थोड़ा सा रेट कम रहने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ से जो बाहर माल निकलते हैं तो आगे उत्तर भारत में जो दशहरा एक बड़ा त्योहार मनाया जाता है, और उसी त्योहार के हिसाब से मंडियाँ कुछ कुछ बंद रहती है, तो ये 2 दिन थोड़ा सा रेट में कम आने की चांसेस है। और उसके बाद दशहरे के पहले दिन यानी कि शनिचर को दशहरा दशहरा है, शनिचर के पहले दिन यानी कि शुक्रवार फ्राइडे के दिन रेट में सुधार होने की संभावना है, और उसके बाद दशहरे के बाद भी रेट सही रहने वाला है। दीपावली तक भले ही माल शॉर्टेज है, रेट सही रहेगा तो कर्नाटक से आने वाला माल रहेगा या आंध्रा से आने वाला माल रहेगा, तो उसका अगर जगह पे रेट कम जाता है तो यहाँ की मंडी जो उत्तर भारत में माल सप्लाई करती है तो उसको बेनिफिट मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ मेरे किसान चाहे कर्नाटक के हो या आंध्रा के हो या महाराष्ट्र के हो या राजस्थान के हो या गुजरात के हो, किसान जब माल पैदावार करता है तो जगह में अगर रेट गिरता है या आगे रेट गिरने की संभावना है, ऐसा किसने बोला तो डर जाता है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि जो रेट सही है तो सही रेट में अगर जगह पे कोई लेना चाहता है तो जगह पे ही व्यवहार करना सही है तो करिए। लेकिन हमारी महाराष्ट्र में नासिक में मंडी है, पूना में मंडी है और इंदापुर में मंडी है, ये तीनों जगह मैं देखता हूं पूरा सीजन रेट गिरा नहीं है।
और जगह पे जो सौदे हो रहे थे और वही सौदे के अनुसार किसान को रेट कम लगा या रिजेक्शन बढ़ते हैं तो किसान मंडी पहुंच जाता है। तो किसान ने यह जो पसंती दी हमारे तीनों मंडी होंगे, तो ये सबसे बड़ी ये बात है कि यहाँ कंपटीशन होता है और कंपटीशन के अनुसार चाहे डैमेज हो, खरड़ा हो या गोटी हो या मीडियम माल हो या बड़ा माल हो, देश के कोने कोने में माल पहुंचा जाता है या नासिक मंडी से या पुना मंडी से या इंदापुर मंडी से। महाराष्ट्र में सब तरफ मंडी है लेकिन अपने मंडी में कुछ तो फर्क दिखता है करके लोग इतने दूर से आ रहे हैं। 800-800 किलोमीटर से जब माल आता है और वहां तक केड़ी चौधरी अनार मंडी का नाम पहुंच जाता है तो मैं तो सब एक किसान भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इतना हमें पसंदी दी और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देखते हुए आपके मन में जो डर आया था कि रेट गिरने वाला है और हमने एक विश्वास से सभी मेरे किसान भाइयों को ये बोला था कि रेट गिरने वाला नहीं है, लेकिन ये कब तक? दीपावली तक। जैसा ही दशहरा हो जाएगा उसके बाद भी रेट सही रहेगा और दीपावली के पहले 2-4 दिन पहला मैं तारीख डिक्लेयर करूंगा, उस समय थोड़ा सा रेट गिर जाता है क्योंकि आगे मंडियां बंद रहती है और छठ पूजा का भी इफेक्ट होता है, उसकी भी तारीख मैं बोलूंगा और उसके बाद भी थोड़ा सा रेट सही रहने वाला है क्योंकि राजस्थान का जो सीजन है ये साल जो नवंबर में ज्यादातर माल आता था वो माल दिसंबर 10-15 से स्टार्ट होने वाला है। ऐसी हमको जो जो एरिया में हम बात करते हैं ऐसी खबर हमको मिली है, तो चाहे कर्नाटक या आंध्र या महाराष्ट्र के ये तीनों स्टेट के किसानों के पैसे बनने वाले हैं। रेट थोड़े से गिर जाएंगे लेकिन इतने भी नहीं गिरेंगे, लेकिन अपनी आशा बहुत ऊंची हो गई है कि यही रेट हमको मिलना चाहिए, लेकिन जब थोड़ा सा ठंड बढ़ेगा, बारिश आएगी, उस समय बारिश के हिसाब से 4-2 दिन मंदी होती है तो हमको लगता है बहुत मंदी हुई, लेकिन मंदी ज्यादा होने वाली है ही नहीं। आज भी अच्छे माल का अच्छा ही रेट निकल रहा है और पूना तो ऐसा स्टेशन है कि यहाँ पूरे महाराष्ट्र में कहाँ रेट नहीं निकलते वो पूना में निकलते, क्योंकि यहाँ खाने वाले कि जो VIP जो खरीदार है वो रेट भी पूछा नहीं जाते, वो खाली माल पसंद आया तो माल लेते हैं। ऐसे यहाँ खाने वाला जो ग्राहक है तो उसमें बॉम्बे है, गोवा है, बेंगलोर के, यहाँ से बेंगलोर भी माल जाता है लेकिन अभी कर्नाटक का माल चालू हो गया तो इधर से कम जा रहा है, लेकिन पूना सिटी है तो ये सब जो ग्राहक यहाँ जुड़े हैं, यहाँ लग्जरी रेल और जो फल की सब्जी की या प्याज की गाड़ी से माल जो सप्लाई होता है उसका यहाँ पूना में फायदा होता है और नासिक में भी सभी तरफ से जो माल आता है 400-500 किलोमीटर से वहां भी लोगों ने पसंद दी है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जुड़े रहिए ये चैनल पे और आपको जो जो भी खबर आपके मन में कोई डर है तो मेरे नंबर पे आप कभी भी फोन करिए, आपका जो भी सवाल है हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सबसे महंगा फल जो अनार बिकता है उसको अगर कोई रेट गिराने की कोशिश करते हैं तो मैं बोलता हूं कि एक दिन में ये फल आने वाला नहीं है, क्योंकि ये साल तो माल सब तरफ कम है लेकिन समझो कर्नाटक या आंध्रा से भी माल आ गया तो महाराष्ट्र में जैसा जैसा माल कम हो जाएगा तो वही माल उधर से यहाँ पहुंच भी गया वही यही किसान भाइयों का आंध्रा और कर्नाटक के उनका पैसा होने वाला है। और जैसा ही आगे दीपावली के बाद राजस्थान के मेरे किसान भाइयों का भी पैसा होने वाला है क्योंकि तब तक थोड़ा सा महाराष्ट्र का माल कम होने वाला है, लेकिन ये साल ऐसा लगता है कि 12 ही महीना मंडियां चलेगी क्योंकि पिछले साल 6 महीना मंडियां नहीं चलती थी, लेकिन ये साल महाराष्ट्र में भी माल है, राजस्थान में भी माल है, लेकिन गुजरात में भी जल्दी माल है। तो अपना ज्यादा जो ऊंचा रेट जाने की आपने मन में एक भावना रखी है तो थोड़ा सा माल बढ़ेगा तो थोड़ा सा रेट भी लेवल पे रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल
सब मंडियों में रेट टाइट है। अगर जगह पे कम मांग रहे तो आप यहाँ एक बार आके जाइए, चाहे आपको पूना मंडी नजदीक है तो पूना में आइए, चाहे जिसको नासिक में आना है, चाहे राजस्थान के भी लोग जल्दी निकलने वाले, अगर मंडियां नहीं लगी और गुजरात के भी वहां मंडियां नहीं लग रही है, तब आप नासिक में भी माल लेके आ सकते हैं। यही जानकारी देने की हम अभी हिंदी में भी कोशिश करेंगे और जो भी आपका सवाल है उसका जवाब देने की हम भावना रखेंगे। आप जुड़े रहिए और आपने अगर ये वीडियो देखते हुए अगर आपको अच्छा ये वीडियो लगता है उसको लाइक करिए और अपने मेहमानों को, अपने मित्र परिवार को शेयर करिए और ये चैनल सब्सक्राइब करने को मत भूलिए और उसका बेल आइकॉन का बटन दबाना भी मत भूलिए। जैसे ही हमारी वीडियो आएगी आपको दिखेगी और आपकी जो मन में जो भी शंका है उसकी जानकारी आपको मिलेगी। यही मैं सब किसान भाई को बोलना चाहता हूं। धन्यवाद।